हाय एवरीवन, बुलेट ट्रेन का जो अपडेट है ना, वो नई अपडेट आ चुकी है। तो कल के परसों के न्यूज़पेपर में हाईलाइट है कि जो बुलेट ट्रेन है उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमारे तरफ से जो लोग हैं वो स्पेन की जो कंपनी है उसे जो काम दिया गया था, उन्होंने अपना काम यहाँ पे सर्वे करके वो गए हैं। बहुत जल्द शायद आप लोगों के एरिया से भी गए होंगे या फिर आएंगे। तो उसी की अपडेट देनी थी आपको, क्योंकि न्यूज़पेपर में इसके बारे में परसों के न्यूज़पेपर में इस पे आया था। तो ये अपडेट आपको देनी थी। और न्यूज़पेपर के आपको कटिंग में दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है, क्या अपडेट्स है। उससे पहले एक बात बोलूँगा, वीडियो देखो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना। ओके, चलो चलते हैं उस पेज पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस पेपर की हाईलाइट है कि मुंबई से नागपुर की तरफ सिर्फ 2 घंटे में यह पूरा सफ़र पूरा हो जाएगा, 2 घंटे में। ओके, जो पेपर है ये है सकाळ न्यूज़पेपर है, इसका नाम है सकाळ। 6 तारीख का ये पेपर है, यह देख सकते हो आप, यह तारीख दी हुई है। सकाळ न्यूज़पेपर है तो इसमें 6 तारीख को इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इसका काम शुरू है, और जिन जिन कंपनियों को इन्होंने किया था ऑफर, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कौन सी कंपनियों को दिया था इन्होंने। स्पेन के कुछ मेंबर्स थे या कंपनी के जो मेंबर थे उन्होंने उन प्रोजेक्ट दिया था उनको, तो उन्होंने इसका सर्वे भी किया, जो कि पिछले वीडियो मैंने मैं आपको बताया था कि यहाँ पे लोग सर्वे करके गए थे ड्रोन से, या जगह पे उन्होंने खुद आके सर्वे किया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये तो होने ही वाला है। हमारे तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े लोग जिनके खेत है यहाँ पे, तो उन्होंने तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, अपने खेत में इन्वेस्ट करने लगे हैं, कुछ भी बनाना ये वो चालू है उनका। तो उसे भी पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो कंफर्म है, बस थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2041 तक पूरा होगा, बट इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इनको अभी 5 साल लगेंगे तकरीबन ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, और पूरी ज़मीन लेने में ये वो, फिर काम शुरू होगा, फिर उसके बाद बहुत सारे इसके मतलब बुलेट ट्रेन है तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, अगर जल्दी किया तो जल्दी भी हो जाएगा, बट ये जो प्रोजेक्ट है तो पक्का है। इसमें कुछ हाईलाइट है, ये देखो आप देख सकते हो तो। और हाँ, ये इस ये बात कंफर्म है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये समृद्धि के साइट से ही होगा। ओके, इसकी जो पॉसिबिलिटी है ना वो समृद्धि के एक साइट से ही होने की है। तो बस यही अपडेट देना था आप लोगों को, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लोग आके गए थे यहाँ पे से सर्वे करके गए, और ये रूट मैंने आपको दिखाया था। ओके, और हाँ पिछले वीडियो में मुझे कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि कौन से साइड से होगा, क्या होगा। तो भाई देखो क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरे 12 स्टेशन है। ओके, 12 स्टेशन है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जिस साइड से होगा ना ये इस रोड के उसी साइड से बनेगा। ओके, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इस रोड से थोड़ा दूर है ना तो ये जो बुलेट ट्रेन है ये आपके डिस्ट्रिक्ट के थोड़े से दूर से जाएगी, मतलब वहाँ पे वो समृद्धि को छोड़ सकती है, थोड़ा दूर छोड़ सकती है, क्योंकि ये जो है वो सीधा लेने जाने वाले बुलेट ट्रेन को, तो इन्हें स्टेशन चाहिए ना भाई। तो आपका डिस्ट्रिक्ट जिस आपका डिस्ट्रिक्ट का अगर थोड़ा दूर है इस रोड से तो वो बुलेट ट्रेन जो है डिस्ट्रिक्ट के करीब जाएंगी, थोड़ा सा फिर से इस रोड को जुड़ जाएंगी। ओके, तो हमारी तरफ तो ये इस रोड के
दक्षिण की तरफ है, मतलब साउथ साइड। ओके, तो औरंगाबाद इस रोड से साउथ साइड में है, तो इसलिए साउथ साइड बनने वाली है। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट और इस रोड के बीच में आपका घर है ना, तो वो आपकी तरफ ही जाएगी, आपके साइड से जाएगी। ओके, बस ये अपडेट देना था। और अगर इसकी कुछ और अपडेट मिलती है, अगर कुछ और इसकी बारे में पता चलता है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करना मत भूलना यार, और शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।